राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला तेनाली राम की कहानियां। आइए सुनते हैं कहानी तेनाली राम और मुखौटा। तेनाली राम की सूझबूझ से राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रभावित थे। सारे दरबारी उनकी बुद्धि का लोहा मानते थे, लेकिन कहते हैं कि बुद्धिमान और धैर्यवान लोगों की असल परीक्षा संकट के समय ही होती है, और संकट तो किसी पर भी आ सकता है, तो फिर तेनाली राम भला कैसे बच सकते थे? तेनाली राम पर भी एक बार कुछ ऐसी ही संकट की घड़ी आ गई। हुआ ये कि राजा कृष्णदेव राय उनसे किसी बात पर नाराज हो गए और महाराज तेनाली राम से नाराज है। हाँ, देखो तेनाली राम आ रहे हैं, अब देखिए महाराज क्या कहते हैं। आज देखते हैं आज मैं क्या। आज तो तेनाली राम की खैर नहीं। हाँ देखो महाराज कितने नाराज दिख रहे हैं। कहीं तेनाली राम को कोई कठोर दंड ना दे दे। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और अब लगता है इनकी सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी। भाई सच कहे तो इनकी बुद्धिमानी की असल परीक्षा तो अब है। अरे अरे ये लो तेनाली राम आ गए। तेनाली राम आ रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। हाँ देखो 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 महाराज क्या कहते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज कृष्णदेव राय की जय हो। तेनाली रामा आप और यहां दरबार में यहां क्यों आए हैं? मैं कह चुका हूं कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, जाइए यहां से, मुझे फिर कभी अपना मुंह मत दिखाइए। मगर महाराज मेरा दोष क्या है? खामोश रहिए, मेरी आंखों से दूर हो जाइए, मुझे अपना मुंह फिर कभी ना दिखाइए, वरना कठोर दंड दिया जाएगा। तेनाली राम उस समय तो चले गए, लेकिन अगर वो फिर नहीं आते तो बुद्धिमान कैसे कहलाते? वो दूसरे दिन फिर दरबार में आए, मगर इस बार अपने मुंह पर एक मुखौटा लगाकर। तेनाली राम को मुखौटे में देखकर दरबारी एकाएक समझ नहीं पाए कि दरबार में मुखौटा लगाकर घुसने वाला ये व्यक्ति कौन है। अरे अरे ये कौन आया? अरे अरे भाई कोई है, रोको उसे, ये कौन बिना आज्ञा दरबार में चला आ रहा है? कहीं ये तेनाली राम तो नहीं? पकड़ लो इसे। ये जो भी है इसे अंदर आने की आज्ञा किसने दी? हाँ हाँ पकड़ लो इसको, पकड़ो इसे। शांत, इस मुखौटे वाले व्यक्ति को यहां लाओ।
हमारे सामने। जो आज्ञा महाराज। ए, चलो हमारे साथ। उपस्थित है महाराज। अब इसका मुखौटा उतारो। जो आज्ञा महाराज। ये क्या तेनालीरामा? मेरे मना करने पर भी आपने यहां आने का साहस किया, हमारे आदेश का उल्लंघन, कठोर दंड दिया जाएगा। सिपाहियों। आज्ञा महाराज। तेनाली रामा को यहां से ले जाओ और कारागार में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। चलो ए, चलो चलो। क्षमा करें महाराज, लेकिन अब मैंने क्या अपराध किया है? अपराध? अपराध पूछते हैं? अब आपने एक और अपराध किया है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे कभी अपना मुंह नहीं दिखाइए, लेकिन आपने फिर भी यहां आने का साहस किया, वो भी मुखौटा लगाकर। सोचा होगा धोखा देकर दरबार में आ जाऊंगा। महाराज, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अशिष्टता के लिए क्षमा करें, लेकिन मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन ही किया है। क्या आज्ञा का पालन किया है महाराज? वो कैसे? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। महाराज, आपने मुझसे कहा था कि फिर कभी अपना मुंह नहीं दिखाना। क्यों महाराज, यही कहा था ना? हाँ, कहा तो यही था, कहा था। तो महाराज, मेरा मुंह आपको न दिखाई दे, इसीलिए तो मैं मुखौटा लगा कर आया हूं। अब भला इसमें मेरा क्या अपराध है? तेनालीराम ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। महाराज ने तेनालीराम की बात सुनी तो एक पल के लिए वो ठिठके, फिर बात को समझकर वो जोर से हंसे। आप बहुत बुद्धिमान हैं तेनालीरामा, आज भी आपने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर हमको प्रसन्न किया है और हमारा क्रोध शांत कर दिया। महाराज, चलो, क्षमा किया आपको। महाराज, और अब ये मुखौटा लगाने की जरूरत नहीं, जाइए बैठ जाइए अपने स्थान पर। परम कृपालु महाराज कृष्णदेव राय की जय हो। 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 इस तरह तेनाली राम ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर ये साबित किया कि बुद्धिमान व्यक्ति संकट के समय अपना धैर्य नहीं खोते हैं, बल्कि अपनी सूझबूझ से समस्या का हल निकाल ही लेते हैं। तेनाली राम की कहानियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अख्तर हुसैन, आलेख
शरद तिवारी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, जैमिनी कुमार, कीमती आनंद, अशोक मलकानी, हरदीप और सुनील लोहिया, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।